केले जीतना सीखो। हे गाइस, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो, बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल वीडियो। सो गाइस, आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि अनदर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ रेड हार्ट के साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। तो अकेले जीतना सीखो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ना एक छोटे से घर में रहते थे, घर में पैदा हुए थे, बचपन में अखबार बेचते थे। क्या उस बच्चे को देखकर कि कोई ऐसा बता सकता था कि वो एक टाइम पर देश के राष्ट्रपति बनेंगे, उस देश के जिसमें करोड़ों की जनसंख्या है, उस देश में जहाँ पर अधिकतर बच्चे उनको स्टैंडर्ड्स से ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड्स वाले फैमिली में बिलोंग करते थे। उनका बचपन अकेले बीता। इंसान को जितने भी उसका अकेला होने का भी कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बल्कि अकेले रहकर ही कोई इंसान जितना सीखता है, क्योंकि वो अपने साथ ना हमेशा अपनी माँ का आशीर्वाद लिया करते थे मैं और ज़्यादा जुटते थे। तो वो एक मणिपुर के छोटे से गांव में पैदा हुए, जो कि वो बहुत ही पुअर फैमिली थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली में रहा करते थे और उनके पास पैसे भी कम हुआ करते थे। लेकिन बॉक्सिंग में उन्होंने वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप जीती थी और वो चाहते थे कि वो लाइफ में बहुत वो सब चीज़ें करें जो अचीवमेंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी बना सके। तो अकेले बैठ करके अपने दुखों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते थे, लेकिन नहीं। एक मतलब उनकी जो कहते हैं ना, मम्मी के होते हैं ना कि कहते हैं ना माँ बाप के संस्कार होते हैं, उनके मम्मी के संस्कार इतने अच्छे थे कि उन्होंने बॉक्सिंग नहीं छोड़ा और मतलब उनको मोटिवेट किया उनकी मम्मा ने। तो वो उन्होंने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट की थी, अकेले रहकर जीतने की शक्ति बढ़ गई थी उनकी बहुत ज़्यादा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से जीत सकते हो और लड़ सकते हो बड़ी सी बड़ी मुश्किलों के साथ, और बड़े लक्षणों को भी अकेले हराने का हौसला आपके अंदर आ जाएगा अगर आपने लास्ट तक सुना तो। अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता ना, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसको आज बदलने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। तो अकेला इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है, पूरी मुश्किलों को फोर्स कर सकता है और पूरी मुश्किलों का सामना भी कर सकता है, एक चुनौती को भी फोड़ सकता है। और उसमें जिगर होना चाहिए और हिम्मत। जिगरा तब आता है जब हमारे अंदर हिम्मत होती है, और जब हिम्मत होती है ना तो किसी की बात नहीं होती कि हमारी हिम्मत को हार्म कर सके, मतलब नुकसान पहुंचा सके। अपनी औकात को बढ़ाने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए, चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, पर गरीब मरना नहीं चाहिए। अगर गरीब पैदा हुआ है ना तो उसे इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बन के मरे। और आपने सुना होगा खाली आए थे तो अकेले आए थे तो अकेले ही जाओगे। अपने आप को उस हद तक ले जाकर मेहनत करने की अपने आप एक चित बना लो और खुद को ट्रेन करो कि जहाँ पर पहुँचना है हर किसी आम आदमी की तरह, बस की बात नहीं होती ना, हमें वहाँ पर पहुँच कर दिखाना है। दुनिया के मतलब मौज मस्ती से जितना खुद को आज़ाद कर लोगे ना, जितनी जल्दी आप उतने ही अपनी जल्दी बहुत सारे सपने पूरे कर लोगे। अपने के लिए इस दुनिया से अलग हो जाओगे, इस दुनिया में अकेले हो जाओगे, उतना ही जल्दी आप लाइफ में बहुत कुछ सीख पाओगे। अकेलापन एकांत है, लेकिन अकेलेपन का एकांत वास में क्रिएट करो। जब आप देखोगे ना, आपकी पुरानी कहानियों में, पुराने सीरीज में जब कोई महान राजा कोई भी डिसीजन लिया करता था, तब वो अपने आप को एकांत में रखना पसंद करता था और अकेला रहा करता था और सोचता था जब इंसान अकेला होता है ना तो वो अपनी ज़िंदगी की हर हकीकत को जान लेता है ठीक ढंग से और देख लेता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं या हमारे से ये नहीं हो सकता। अपने आसपास के माहौल को ठीक से देखा है, उसको कॉन्सेंट्रेशन की पावर बढ़ सकती है, उसकी फोकस की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने आप से जुड़ जाता है, अपने आप से कनेक्शन बना लेता है, अपने इमोशन से जुड़ जाता है, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने थॉट से जुड़ जाता है। और बहुत सारे लोग हैं ये बोलते हैं जब हम अकेले अकेले बातचीत करते हैं ना कि ये पागल है, नहीं, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति पाया जाता है जो अपने आप से बात करता है, उसका अपने आप से कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। वो किस तरीके से करता है कॉन्फिडेंस बूस्ट? आपने देखा होगा अधिकतर लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो मिरर के सामने देख के देते हैं, क्यों? तो उसका कारण पता है एक ही है, ये फैक्ट्स है। अगर आप अकेले में बातचीत करते हो, अपने आप को जानने की कोशिश करते हो, तो आप लाइफ में हर चीज़ वो कर सकते हो जो आपको सक्सेसफुल राह पे लेकर जाती हो। तो सही कहा ना विदु ने। और अगर आपको इतनी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल सीखनी हो तो विदु को चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितना आप अकेले रहोगे उतना ज़्यादा अपने आप को समझ पाओगे। आपको पता है कौन सा काम मैं कर सकता हूँ, कौन सा काम मैं नहीं कर सकती हूँ? कर सकता हूँ, ठीक है, जिसको मैं आज नहीं कर सकता लेकिन एनी टाइम कर सकता हूँ, कभी भी। अगर मैंने मेहनत करी है तो मैं हर उस सीढ़ी पे चढ़ सकता हूँ
जो मतलब मैंने बनाई होगी अपने लिए, है ना। तो चाहे तो वो चेंज उसी काम को मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। अकेलेपन को एकांत में बदलना बहुत सीखो, लेकिन एक नेगेटिव फ्रॉम आई ना लो, लेकिन एकांत पॉजिटिव शब्द है जो अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव वाइब फील कराता है। जब भी हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें बहुत शांति मिलती है, आप अपने आप में परिपूर्ण होती हो। जो खालीपन अकेले में, अकेलेपन में है ना, वो खालीपन एकांत में वास नहीं होता है। और एकांत वास भारत हुआ है क्योंकि उसमें आप अपने साथ हो, और जब आप अपने साथ हो ना, तो आपको एकांतपन का एहसास कभी नहीं होगा। जब आप सोचोगे हाँ मैं तो अकेला नहीं हूँ, मैं तो हूँ अपने साथ, फिर आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। आज आपको सीखना पड़ेगा, ये आप अकेले ही तो हो, आप अकेले आए थे इस दुनिया में और अकेले ही वापस जाओगे, तो क्यों ना अकेले ही रहकर अपने आप को अच्छे से एक बड़े आदमी में बदलो। तो कॉमन सी बात है, आप करना चाहते हो, आपको अकेले रहकर कहानी उन सभी मुश्किलों से जीतना है जो आप जीत सकते हो। तो मुश्किल आज आपको बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन जब मुश्किल उतनी बड़ी हो जाती है ना, तो आप मुश्किल से बाहर निकलना भी सीख जाओगे जब आप अकेले रहोगे। तो जितना पास उनको देखते हो, जब एक छोटा सा कंकड़ पत्थर होता है ना, तो उसको आँखों के पास जितना पास लेकर देखोगे ना, उतना ही वो आपको उसके आगे को, दुनिया को कम देखने देगा। और जितना हम दूर से देखेंगे उसको, उतना ही हमें देखने देगा। लेकिन उस पत्थर को दूर फेंक दोगे ना जोर लगा के, तो हो सकता है वो आपको बिल्कुल ही नजर ना आए। उस अपनी यही एटीट्यूड पालना पड़ेगा आपको। अगर करीब से देखना है ना, तो आपको वो पत्थर पार करना होगा। कंफर्टेबल को देख, मतलब अपनी कंफर्टेबल जोन को देखें, अपनी खासियतों को पहचाने कि हमारे अंदर ये खूबियां हैं। पॉइंट्स को, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को देखना है आपको। किसी को जज नहीं करना, जज करने की जरूरत नहीं है आपको। खुद को अपने आप में, मतलब होता है ना, अपने आप में बदलाव लाना है। अगर आपको वकील ही बनना है तो अपना बने, दूसरों का नहीं। क्योंकि दूसरों के सामने अगर आप दूसरों का वकील बनते हो, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना को फेस करना पड़ता है, पता है आपको। अपने सामने की अगर अपनी ये चीज़ें गलती की हैं, तो वो गलतियाँ क्या होती हैं, आपको सुधारना होगा, उसको सुधरना है। आपको इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखना होगा। और वो सब चीज़ें आप कब सीख सकते हो, जब आप अपने आप को समझ लो, पता है। जब अपनी अपनी जो मम्मी होती हैं, वो जीत पाओगे। एक कहते हैं ना, मम्मी अपने पागल बच्चे को भी बहुत प्यार करती है। बच्चा कैसा भी होगा, माँ हमेशा प्यार करेगी, तो किसी ने सच ही कहा है, तो उसे समझाएगी धमका के, प्यार से, अपने सुकून से। अगर मार देगी तो फिर उसको बेचारे को चुप कराएगी। तो वैसे ही अपना ख्याल रखो, एक बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, इस तरीके से अपने आप को पैम्पर करना सीख लो, तो लाइफ में बहुत कुछ करोगे आप। आपको अपनी माँ को कंट्रोल रखना है, आपको अपनी माँ का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में, पता है, श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है भगवद गीता में, माँ को कंट्रोल करना जितना मुश्किल लगता है ना, उतना मुश्किल है नहीं। अभ्यास करके कोई, कहते हैं ना, एक परिश्रम करते हैं इंसान एक योगी बन सकता है, क्योंकि वो अपनी माँ को कंट्रोल करना सीख सकता है। क्योंकि जब भी हमें दर्द होता है, तो हमारी मम्मी हमारे साथ होती हैं, तो अगर हमें कहीं जाना होता है तो मम्मी को मना लेता है ना, तो ऐसे ही हम मम्मी को अपनी कंट्रोल कर लेते हैं। अपनी विचार शक्ति को कंट्रोल करना एक जगह पर फोकस कर सकता है, एक जगह पर इकट्ठा होना, कहते हैं ना, एक जगह पर इकट्ठा होना करके अपनी मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकता है। आपको उसको जल्दी प्राप्त कर सकता है, लक्ष्य को। और आपको, आप अपने आपको अकेला होने की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ाम हैं जो आप पर इस दुनिया के द्वारा लगाए गए हैं। क्योंकि बहुत सारी निगेटिव बातें हैं जो आपको बड़े में बोली गई हैं, बहुत सारे ताने हैं जो आप पर थोपे गए हैं। कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके पीछे भागना बंद कर दो। जितना पीछे भागोगे ना, उतने भगोड़े बन जाओगे एक दिन, ये तो सच्चाई है। जितना ज़्यादा हट होते जाओगे, उतने ही ज़्यादा अपने लिए मुश्किलें क्रिएट करते जाओगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल, अपने आप को दुनिया के पीछे भगाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने पीछे सबको भगाओ, रोकना सीखना पड़ेगा। अपने दर्द पर सपनों का मरहम लगाओ, क्योंकि डर तो कभी नहीं ख़त्म होगा। डर एक ऐसी चीज़ है वो लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होती। और मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ बेजुबानों को मारा मत करो, और अगर रोटी खिलाने की औकात ना हो ना, तो प्लीज़ मारा भी मत करो। क्योंकि देखो, जो लवर होता है ना, डॉग्स लवर, उससे पूछो उसको कितना हर्ट होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो डॉग्स को मारते हैं, मुझे बहुत दुख होता है।
और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं इमोशन हो जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा। मेरी गली के जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, मुझको तो अच्छा लगता है इनको खिलाना, बट जो इनको मारता है वो एक ना एक दिन ज़रूर ऊपर जाके भरेगा, तो प्लीज़ मत मारा करो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर माई चैनल, और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करके मोटिवेशनल वीडियो, तो आपको कैसे लगता है आप भी तो बताओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल, बाय। हर हर महादेव रेड हार्ट के साथ जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय।